मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन ब्लैक बेल्ट 7 रिटर्न इंटरनेशनल कोच फाउंडर प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी। आज पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी सरनगर ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है। हमारे बीच में मेहमान खुसूसी DCP साउथ जोन साई चैतन्य सर भी आने वाले हैं और शी टीम के मैडम सेल्फ डिफेंस के लक्ष्मी मैडम भी हमारे बीच में हैं, फराह खान मैडम भी हमारे बीच में है और मुन्ना भाई जो कराटे के ब्लैक बेल्ट है वो भी हमारे बीच में है और अबू बकर भाई जमानी के डायरेक्टर है वो भी हमारे बीच में है। और आज ये एनिवर्सरी 4th एनिवर्सरी के मौके पर पाको के जो बच्चे अमेरिका में गोल्ड मेडल्स जीत कर आए, जो मलेशिया में, जो थाईलैंड में, जो जापान में, जो जहाँ जहाँ भी इंडिया से बाहर जाकर खेल कर आए बच्चे, उन बच्चों के बीच में मेडल तकसीम किए गए हैं और उनको हमारे पास से पाको की तरफ से जो है फेलिसिटेट किया गया है। और आज स्पेशली पेरेंट्स के लिए हमारे पास पेरेंट्स के लिए भी बेस्ट पेरेंट ऑफ द ईयर भी अवार्ड है हमारे पास, जो पेरेंट्स बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके बच्चों को अमेरिका और बाहर के कंट्रीज़ में खिला रहे हैं, उन पेरेंट के को मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। और ये बच्चे आज ये बच्चे पाको में खेल रहे हैं, कल उम्मीद है कि ओलंपिक में भी खेलेंगे। तो हमारी यही उम्मीद है कि आज ये बच्चों की जो मेहनत पेरेंट्स की तरफ से हो रही है और सेम इसी तरीके से ये बच्चों की मेहनत आगे भी अगर होती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि पाको का झंडा वर्ल्ड के हर कोने में गाड़ा जाएगा और हर कंट्री में पाको के बच्चे, हर कंपटीशन में पाको के बच्चे खेलेंगे और अपने वालदैन का नाम और अपनी कंट्री इंडिया का नाम और अपने स्टेट तेलंगाना का नाम और अपनी एकेडमी पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस का नाम भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सब तमाम का मीडिया वालों का भी ममनून और मशकूर हूँ जो आप हर वक्त हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, खुसूसन हैदर भाई जो हमारे, जब भी हैदर भाई को मैं आवाज़ देता हूँ हमारे लिए लब्बाई करके आ जाते हैं। और आपकी तमाम मीडिया जिनके नाम मेरे को याद है, जिनके नाम याद नहीं है, सबका शुक्रगुजार हूँ। और नसीर भाई भी आज हमारे प्रदेश में कई दिन के बाद नसीर भाई भी नज़र आए, नसीर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आपके सामने हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स है वो आपसे मुखातिब होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मेरा नाम फराह खान है और मैं यहाँ पे, इट्स एन ऑनर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एज अ पार्ट ऑफ पाको एकेडमी। और आई कॉन्ग्रेचुलेट इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत मुबारक फॉर 4th एकेडमिक एनिवर्सरी। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी लड़कियों को और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है आजकल। सभी लड़कियाँ, सभी लड़के, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो, ईच एंड एवरी पर्सन, सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और अपने आप की हिफाजत करने के लिए मार्शल आर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकेडमी, पाको एकेडमी, दुनिया के हर शहर, हर कोने में अपना नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ट्रेनिंग ऑल ऑफ यू, ఐ ఎమ్ లక్ష్మీ సామ్రాజ్యం, ఫౌండర్ ఆఫ్ రుద్రమదేవి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అకాడమీ. ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ షీ టీమ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ హూ సెట్ ఎ వరల్డ్ గిన్నెస్ రికార్డ్ ఆల్సో ఇన్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. నవే డేస్ వీఆర్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్. దే కెన్ ఇంప్రూవ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బై లెర్నింగ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్. దే కెన్ ఇంక్రీజ్ అవర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, దట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చూస్తున్నాం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్, టీవీలో, పేపర్లో లాట్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ కానీ, కిడ్నాప్స్ కానీ, రేప్ అటెంప్ట్స్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ తప్పించుకోవాలి అంటే ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్గా వాళ్ళని వాళ్ళే రక్షించుకోవడం కోసం ఈ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది. అలానే పాకో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ 4th యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్గా చేసుకున్నాం. ఇఫ్తిఖార్ భాయ్, ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్. హీఈస్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ వెరీ స్మార్ట్ వర్కర్ ఆల్సో. ఢిల్లీ, ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆయన మలేషియా, దుబాయ్, యుఎస్ఏ, అన్ని దేశాల్లో స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి ఛాంపియన్, వరల్డ్ ఛాంపియన్ కూడా కొట్టించడం జరిగింది. ఆయన లాట్ ఆఫ్ గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా సాధించారు, చూసాము ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ షీల్డ్స్ కానీ, మెడల్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ మెడల్ సాధించాలి. ఇలాంటి అకాడమీ సరూర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలందరికీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది చాలా అవసరం, మా సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఇఫ్తిఖార్కి మాటిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सबका आदाब. आज पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी का 4th एनिवर्सरी है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इन लोग छोटा से स्टार्ट करके इतने बड़ा आए और आगे तरक्की करे और बड़ा ब्रांचेस
बहुत सारी जगह खोले, पूरा तेलंगाना में खोलने का मेरा लोग को मिसिंग से सभी को एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ कि क्योंकि मैं भी एक थोड़ा मार्शल आर्ट पे इंटरेस्ट हूँ, तो इफ्तिकार को मेरे को पिछले साल से हम देख रहे हैं जब से आए हूँ, अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग बच्चों को तो अलग अलग जगह लेके जा रहा था, US पे, मलेशिया पे, सब जगह पे इन लोग ने बच्चों को लेके जाके वहाँ पे इन लोग का शागिर्द है, बहुत अच्छा मेडल्स भी जीत रहे हैं, उन सभी लोग को मुबारकबाद देते हैं और इनको आगे भी कंटिन्यूसली इस एफर्ट कंटिन्यू करने के लिए मैं इन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। और अच्छे जैसे पहले बोला हूँ अलग अलग बहुत सारी जगह ब्रांचेस खोल के पूरा तेलंगाना पे मशहूर होना निकला मेरा ब्लेसिंग से। थैंक यू।